अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज हम बनाएंगे, आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे। तो ये देखें, फ़िश जो है हमारे पास दरिया की प्योर फिश है, इसको अच्छी तरह धो लिया पहले। 2 से 3 घंटे नमक और जवान लगा कर इसको रखा, फिर इसको अच्छी तरह धो लिया। तो इसके अंदर आज नमक तकरीबन जा चुका है, इसलिए हम नमक थोड़ा सा कम लगाएंगे। फिर भी आप इसको चख सकते हैं, थोड़ा सा नमक इसमें कितना है उस हिसाब से फिर आप नमक और डाल सकते हैं। साफ़ी जो है, साफ़ की हुई 2 kg इसका वज़न है। तो पेवर दरिया रावी की ये फिश है, तो इसको हमने इस तरह सारे पीसों को टक लगा लिए हैं, क्योंकि टक लगाने से ये होता है इसके अंदर मसाला वगैरह सही तरीके से जज़ब हो जाता है। तो अब हम इसको मसाला लगाते हैं। तो यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से हमारा वीडियो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यार, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आपके तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। तो हमारा भी दिल करता है हम रोज़ का अच्छा अच्छा व्लॉग बनाकर आपको दिखाएं। तो बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुँच सके। तो अब हम इसको मसाला लगाते हैं। ये फिश हमारे पास, ये हमारे पास मसाले हैं, ये हम आपको बता देते हैं मसालों की क्वांटिटी क्या क्या मसाले हैं। ये हमारे पास है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब बेसन है। तो ये हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब हमारे पास है गरम मसाला। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला है, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, ये वो सारी चीज़ें मिक्स जो हैं पीसी हुई हैं, मिक्स गरम मसाला। ये हमारे पास 3 टेबल स्पून जो है दड़ा मिर्च है। तो थोड़ा सा हमारे पास 1 टेबल स्पून धनिया है दादड़ा हुआ। 1 टीस्पून के करीब साल्ट है, नमक आप हसबे ज़रूरत हसबे जायका डाल सकते हैं। हमारी फ़िश को काफ़ी देर पहले हमने लगा के रखा हुआ था, इसलिए फ़िश में भी नमक है, इसलिए हमने इसमें कम डाला है। ये हमारे पास है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। ये हमारे पास चुटकी, एक कलर फूड कलर है ज़रदा रंग। हमारे पास 2 चुटकी जो है काली मिर्च है। तो ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है अनोखी चीज़, ये है चाट मसाला। तो ये सारे मसाले हैं, तो ये सारे मसाले जो हम एक बर्तन के अंदर ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। ये सारे हमारे पास, ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब हमारे पास लहसुन था, इसमें अदरक हम नहीं डालेंगे, लहसुन जो है ज़्यादा डलता है, इसलिए हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे सारा। ये लहसुन हमने छील के ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह। तो साथ ही हम इसके अंदर नींबू डालते हैं। अगर हम आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम सिरका इस्तेमाल करेंगे, इससे 3 से 4 टेबल स्पून हम जो है इसमें सिरका ऐड करेंगे। नींबू मिल जाए, नींबू लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये हमने डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। तो ये हमारा मसाला जो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे, पानी। ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और फिर चख लेंगे इसका क्या टेस्ट है, किस चीज़ की कमी पेशी है या नहीं है। लेकिन हमने टेस्ट किया है, सारा कुछ ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नमक जो है डाल सकते हैं। तो अब जो है हम इसके अंदर फिश जो है हमारी उसको हम डिप करते हैं। ये जी, हम एक एक पीस पकड़ेंगे इस तरह करके, हम इसके अंदर इसको लगाएंगे अच्छी तरह। ये जो टक लगाए इनके अंदर भी भरेंगे। ये देखें जी, इस तरह हमको इसको अच्छी तरह लगाएंगे। अगर आपने ज़्यादा मसाला आपको चाहिए इसके ऊपर, आप थोड़ा सा बेसन में इजाफा कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसन ज़्यादा लगाएंगे तो बिल्कुल जो इसके अंदर फिर मसाला जो है ऊपर ज़्यादा चिपकेगा। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने इस तरह आपको लगा के दिखाया है, ये देखें। तो अगर आप ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर आटा ऐड करते हैं। आटे से ये होता है, क्योंकि ये अच्छी तरह चिपक जाता है मसाला। ये देखें जी, ये आगे वाला पीस हम लगाएंगे आटे के बाद। ये सिगा राज की चीज़ें होती हैं जो कम लोग आपको बताते हैं।
तो ये मकम्बर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी घर में आपकी फिश जो है, ये देखें जी मसाला अच्छी तरह इसको चपक चुका है साथ। इसी तरह करके हम सारी फिश को मसाला लगाएंगे। ये देखें हमारी सारी फिश को अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हम इसको इस तरह ही तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखेंगे। मसाला लगा के फौरी फ्रीज नहीं करना, क्योंकि फिर मसाला फ्रीज करेंगे तो वहाँ जम जाता है, इसके अंदर जज़्ब नहीं होता। तो पहले आप इसको मसाला लगा के फ्रिज में रखेंगे, 8 से 10 घंटे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं मौसम के लिहाज से। तो अभी इतनी गर्मी नहीं है तो इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे 8 से 5 से 6 घंटे या 8 से 10 घंटे, जितने भी आप टेम्परेचर के हिसाब से, फिर हम इसको फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज इस तरह करेंगे जिस तरह हम, आप फर्ज करो 2 पीस या 3 पीस या 4 पीस जिस तरह आपने इस्तेमाल करनी है उस तरह आप इसको रखेंगे। तो जब आपने फ्राई करना हो तो एक पैकेट निकालना, तो उससे आप उसको निकाल के फ्राई कर लें, 3 पीस का कर लें 4 पीस का कर लें, ये सारी आपने फ्राई करनी है। तो मोस्ट वेलकम, जैसे भी आप अगर मसाला लगा कर फ्रिज में रखी हो तो जब अचानक मेहमान आ जाए या और कोई मसला हो तो फौरी आप इसको निकाल के तो 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव में लगाएं डीप फ्राई पे। तो फिर डीप पे आप माइक्रोवेव इसको लगाएं तो बाद में फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर आज तक के लिए इतना ही, आज तक के लिए यही व्लॉग था, यही वीडियो थी। तो अलग फजल करम से इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो हमारी ये वीडियो, ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए अमीन व्लॉग को दो इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।